ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गियर शिफ्ट करने की। जब हम गाड़ी चलाते हैं गियर शिफ्ट करते हैं और ठक ठक, हेलो जी कैसे हैं आप, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपनी किया सोनेट की सर्विस करवाने, 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, मेजर सर्विस है, देखते हैं कितना खर्चा आता है। तो आपको भी बताते हैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताते हैं किया सोनेट के बारे में। तो चलते हैं मिलते हैं आगे। तो दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 40,000, दैट मीन्स अराउंड 39,811 किलोमीटर। तो गाड़ी को लिए मेरे को 1 साल और 7 महीने हो गए हैं, अप्रैल 2022 में ली थी गाड़ी ये। बारिश हो रही है, सर्दियां स्टार्ट होने हो गई हैं, आज एकदम से सर्दी हो गई है। अराउंड यहाँ का टेम्परेचर जो है 14 के आसपास है। तो मज़ेदार मौसम है, बढ़िया मौसम बना हुआ है। दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 39,822 किलोमीटर और हम हो चुके हैं किया के सर्विस सेंटर। तो भी हो रही है प्री सर्विस इंस्पेक्शन गाड़ी की। ये गाड़ी की चारों तरफ से फोटो खींचते हैं। अभी हो रहा गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज, इसमें ये सेमी सिंथेटिक ऑयल डालते हैं। अभी ये गाड़ी का डीजल फिल्टर चेंज कर रहे हैं। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम चेंज हो रहा है 40,000 किलोमीटर के बाद मेरा गाड़ी का। इससे पहले उन्होंने कभी भी डीजल फिल्टर चेंज नहीं किया था, तो अभी ये डीजल फिल्टर चेंज कर रहे हैं। डीजल फिल्टर चेंज करने के लिए इन्होंने बैटरी निकाली, एयर फिल्टर निकाला, उसके बाद बैटरी के पीछे कहीं डीजल फिल्टर लगा वो निकाला फिर उन्होंने। दोस्तों अभी जुड़े रहें हमारे साथ, अभी मैं आपको बताऊंगा गियर शिफ्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर गियर हम ढंग से शिफ्ट ना करेंगे तो गियर में पक्का प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये डीजल फिल्टर जो निकाला उन्होंने गाड़ी से, इसको डीजल बाहर निकालने के लिए एक डब्बे में रख दिया उन्होंने, और अभी है ये नया वाला डीजल फिल्टर जो उन्होंने लगा दिया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गियर शिफ्ट करने की। जब हम गाड़ी चलाते हैं गियर शिफ्ट करते हैं, क्लच पैडल को दबाते हैं और ठक ठक, तीसरा ठक, चौथा ठक, ऐसे जोर जोर से 5 बार ऐसे मारते हैं, ऐसे डालते हैं हम गियर। तो ऐसे गियर कभी भी नहीं डालना। तो बेस्ट जो है आपने गियर चेंज करना, उसके लिए क्या करना, आपने जैसे आपने गियर डाला फर्स्ट डाला, उसके बाद जब हमने सेकेंड डालना रिलीज और सेकंड डालो, उस पर जब थर्ड डालना हमने न्यूट्रल पे रिलीज करना देन थर्ड, उसका जब फोर्थ डालना हमने न्यूट्रल रिलीज करना और फोर्थ डालना। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग गाड़ी का जो गियर हम यहाँ से ऊपर से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं पकड़ना, क्योंकि इससे नीचे प्रेशर जाता ज़्यादा। तो ऑलवेज जो हमेशा जो है गियर को हमने इस ढंग से पकड़ना है, फर्स्ट गियर रिलीज न्यूट्रल, सेकेंड सेकेंड गियर रिलीज न्यूट्रल, थर्ड गियर। तो दोस्तों मैंने आपको आज गाड़ी की सर्विस दिखा दी और गियर्स कैसे शिफ्ट करना वो भी बता दिया, लेकिन गाड़ी की सर्विस की कॉस्ट कितनी है वो बताना भूल गया। तो अभी आपको बताता हूँ गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी आई थी।
40,000 किलोमीटर की गाड़ी की सर्विस की कॉस्ट जो आई थी वो आई थी 6,031 रुपये, क्योंकि इसमें डीजल फिल्टर चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, एयर फिल्टर चेंज हुआ था, एसी फिल्टर चेंज हुआ था और इंजन ऑयल चेंज हुआ था। और 30,000 किलोमीटर पे जो गाड़ी की सर्विस की कॉस्ट आई थी वो थी 4,650 रुपये। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चाहे ना करें पर लाइक ज़रूर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।